जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ODI के अंदर और T20 के अंदर कौन कौन से अहम कारनामे सर अंजाम दिए और पाकिस्तान के जो अहम खिलाड़ी हैं जिनकी वजह शोहरत क्रिकेट से हुई और ख़ास वजह क्या है क्रिकेट के अलावा भी क्रिकेट के अंदर उन्होंने कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए, उन सबको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट की अचीवमेंट्स का। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिस्टोरिकल ओवरव्यू, उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टेस्ट, ODI और T20। टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की अगर रैंकिंग की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान 6वीं पोजीशन के ऊपर है। इसी तरह पाकिस्तान ने टेस्ट के अंदर 1986 और 87 और 2005 से 2006 के दौरान जो इंडिया के साथ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई, पाकिस्तान ने इसमें कामयाबी हासिल की, ये सीरीज पाकिस्तान ने विन की। इसी तरह इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की 1987 और 1996 की जो सीरीज हुई वो पाकिस्तान ने विन की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994 और 2004 की जो सीरीज थी ये पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से विन की। आगे चलते हैं हमारे ODI की तरफ, वनडे इंटरनेशनल। अगर हम वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग 4th नंबर पे है। इसके अंदर वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है। वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने 1992 के अंदर जो पहली पोजीशन हासिल की, पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप विन किया और इस वक्त इसकी क्यादत सबका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान कर रहे थे। 1999 इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो दूसरी रही, यानी पाकिस्तान फाइनल के अंदर लूज कर गया और इस वक्त टीम की क्यादत जो है वसीम अकरम कर रहे हैं और ये फाइनल जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इसी तरह ICC चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो ये 2017 की जो ICC चैंपियन ट्रॉफी थी इसको पाकिस्तान ने विन किया और इसी तरह 2004 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी इसमें पाकिस्तान रनर अप रहा, दूसरी पोजीशन पर रहा। आगे चले तो T20 की अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान T20 के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग 7वें नंबर पर है। हालांकि पाकिस्तान अपना पहला मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 का अमेरिका से हार चुका है और दूसरा आज 7:30 है और इस जो T20 वर्ल्ड कप के बाद तमाम टीमों की, मोस्टली टीमों की रैंकिंग चेंज हो जाएगी। रनर अप विनर अप, 2009 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने विन किया और इसी तरह 2007 का जो पहला T20 वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान सेकंड पोजीशन पे रहा। हालांकि उस मैच में पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा कांटेदार मुकाबला रहा, ये सुपर ओवर के अंदर जाकर जो इंडिया है वो पाकिस्तान ये मैच विन करने में कामयाब हुआ और पाकिस्तान दूसरी पोजीशन पर रहा। यहाँ कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम हैं जिनकी क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा शोहरत है। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकली तमाम खिलाड़ियों को देखें तो बहुत खिलाड़ी क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया, लेकिन हम सिर्फ चंद एक का तज़किरा कर रहे हैं। नंबर वन पे इमरान खान की वजह शोहरत क्रिकेट थी। अब चूंकि वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं इस वक्त, तो उन वो 1992 के अंदर उन्होंने जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता उस टीम के वो कैप्टन। इसी तरह वसीम अकरम जो कि स्विंग के सुल्तान के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने पहले वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने 500 विकेट क्रिकेट के अंदर पूरी की। इसी तरह यूनस खान वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने 10,000 रन मुकम्मल किए। इसी तरह शाहिद खान अफरीदी हैं जो कि अपने तेज बैटिंग की वजह से शोहरत रखते हैं और सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड और बड़े तेज खिलाड़ी होने का भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास रखा है। इसके साथ साथ जवेद मियांदाद जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच में एशिया कप के अंदर छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई थी, वो भी बड़ी शोहरत रखते हैं। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकायदा तमाम खिलाड़ियों का तज़किरा करेंगे उनके अचीवमेंट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।